हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज वीडियो के तरीके जैसे कि आप देख रहे हैं, नए रिसर्च स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है नैक के साथ जो है रिक्वायर्ड है, 1+ ग्रेडिंग यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है। यानी स्टेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ का जो फॉर्म का जो मतलब जो फीस है वो थोड़ी सी कम लगती है। एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स और एंट्रेंस टेस्ट PhD 2004 सीजन 2023 आपका। उसके बाद जो सीट है एनेक्जर वन में दी गई है। कैंडिडेट हैविंग आपका 55% मार्क होना चाहिए। अगर एस सी एस टी किन केस में है, 5% का जो रिजल्ट मिलता है हर जगह पर वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपकी डेट अप्लीकेशन की स्टार्ट हुई है 11/8/2023 स्टार्ट, 25/8/2023 की चलेगी और 18/9/2023 को आपका डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है। उसके साथ साथ आप कैंडिडेट सेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन 50% मार्क जो नैक के द्वारा यहाँ पर अथराइज है। और इसके साथ साथ अगर आप अपियरिंग है अपियरिंग के कैंडिडेट हैं तो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ द कैंडिडेट वो है बिन अपियरिंग MA MSc MCom फोर्थ सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है आपका, तो PhD में आप जो है कंसीडर जो है ओनली इफ एनी रिजल्ट डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन द नेक जो है इंटरव्यू बिफोर इंटरव्यू के पहले आपका जो रिजल्ट है अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपको देख रहे हैं 70% आपका इंटरेस्ट है, 30% वेटेज जो आपका इंटरव्यू से होगा, 30% 70% आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, नेट सेट GRF गेट कुछ भी नहीं मांगा है। आप PG किए हों आप यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, आप इंटरेस्ट क्वालिफाई करिए और आप PG के साथ भी आप PhD कर सकते हैं। जो अप्लीकेशन फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 240 रुपये है। और ये आपका यहाँ पर जो लिंक दिया गया है यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध है। इससे लास्ट में हम किस प्रकार से लिंक पहुँचेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे वो हम लास्ट में इस वीडियो के साथ से कवर करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपके लिए है, कैंडिडेट के लिए है, तो इसे ज़रूर आप एक बार चेक कर लें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए जो सब्जेक्ट की है, जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर देख लीजिए। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर दाहिनी तरफ आपका सब्जेक्ट दिया, बाईं तरफ आपके सब्जेक्ट है और उसके बाद दाहिनी तरफ नंबर ऑफ वैकेंसी जो है क्लियर कट लिखी हुई है, जिसमें आपको देना है वहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आप देखिए बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बुद्धिस्ट्री, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, डिपार्टमेंट साइंस आपके, उसके बाद जियोलॉजी, होम साइंस, सबसे ज़्यादा इसमें होम साइंस में जो सीट है होम साइंस में है। उसके बाद होम साइंस के बाद आ जाता है आपका ह्यूमन जेनेटिक्स, तो ह्यूमन जेनेटिक्स है। उसके बाद ICCR, उसके लॉ लाइब्रेरियन, मैनेजमेंट, माइक्रोलॉजी जो है, मिशियोलॉजी, फिजिक्स, फिजिकोलॉजी, पंजाबी, रिमोट सेंसिंग, DIS, सोशियोलॉजी, SHTM, स्टैटिक्स और देखते हैं कुछ कितने 27 जूलॉजी, तो 27 सब्जेक्ट हैं और उनकी जो सीट यहाँ पर आपको दी गई है। डिपार्टमेंट है ये मेल आईडी है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और नीचे करके आप यहाँ पर फार्मा पार्ट टाइम स्कॉलर, तो ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। आप अगर जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आप देखिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पहले ही ये सारी चीज़ें जो है स्क्रॉल होती है आपको दिखाई दे देंगी, यहाँ पर जो है ना ये स्क्रॉल होती दिखाई देगी। आप जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं या तो फिर आप कोई जो यहाँ पर पेज में PDF में आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से भी आप इस पर जा सकते हैं। जैसे लिंक पे जाएंगे लिंक के माध्यम से ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, फिर नोटिफिकेशन PhD की, एडमिशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया और स्लाइड दिया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिशन आप यहाँ से आप इस क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एडमिशन कार्ड किस प्रकार से है यहाँ पर सब पढ़ने के बाद आप क्लिक किया डाउनलोड नोटिफिकेशन, उसके बाद आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप यहाँ से सिलेबस भी इसका देख सकते हैं, जो भी सिलेबस है यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोई आपका इंटरेस्टेड है जहाँ जो PG किया हो और यहाँ से नहीं हो रहा है PhD तो करना है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी स्टेट जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से कर लीजिए। इंटरेस्टेड है उनको जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आ गई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना आने वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।